आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास एक्शन लॉ। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार एक सेमीकंडक्टर के अंदर जब आप जो चार्ज कैरियर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने के बावजूद भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या नंबर ऑफ होल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो है आपका इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कांस्टेंट आएगा। चाहे आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो यानी नेट अर्धचालक लो, चाहे आप बाह्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आप किसी एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये चीज हम यहाँ से देखेंगे और इसके अगले टॉपिक में भी मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। मान लीजिए कोई सिंपल सा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि नेट अर्धचालक है, नेट अर्धचालक जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं। तो किसी रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर आपको समझ में आता है, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 300 केल्विन मिलेगा। तो 300 केल्विन टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर जो कंडक्टिविटी मिलेगी हमें सिलिकन की, वो मिलेगी 3 × 10⁻⁶ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और जो जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ लेना है कि कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो है सिलिकन की 10⁻¹० पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब इस कॉन्सेंट्रेशन का खेल है पूरा, है ना, इस पूरे टॉपिक में इस कॉन्सेंट्रेशन का खेल है। इसके बाद वाली स्लाइड में भी मैं आपको यही बताऊंगा ये क्या चीज है। तो फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक शुद्ध या नैज अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर सिलिकन है उसकी कंडक्टिविटी देखो 3 × 10⁻⁶ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। क्या ये कंडक्टिविटी ज्यादा है क्या रूम टेम्परेचर पर? नहीं है, ये बहुत कम है। अगर आप रूम टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी निकाले तो यहाँ पर आप मानो कि यहाँ प्लस में 5 to 6 आएगा, यानी कंडक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा है। तो इसकी कंडक्टिविटी अगर मुझे बढ़ानी है सेमीकंडक्टर की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके हैं उसको मैं यूज ले सकता हूँ। या तो मैं लूँ एक ऐसा मटेरियल जिसका कि एनर्जी बैंड गैप बहुत कम हो, है ना। तो एनर्जी बैंड गैप कम होगा तो हो सकता है कि एनर्जी बैंड गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है जंप कर जाए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, आप टेम्परेचर बढ़ाओ। आप क्या करो, टेम्परेचर बढ़ाओ, किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इजीली वो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ जाएंगे और कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो होगा क्या, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तीसरा मेथड क्या हो सकता है, तीसरा जो है वो सबसे इफेक्टिव और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है जिसको हम कहते हैं डोपिंग। बेसिकली डोपिंग क्या है, इम्प्योरिटी को मिलाना। आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि अगर आप शुद्ध अर्धचालक की बात करते हैं, नैज अर्धचालक की बात करते हैं, तो नैज अर्धचालक में क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल बराबर है। अब कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो मुझे किसी एक चार्ज कैरियर को बढ़ाना है, या तो मैं इलेक्ट्रॉन को बढ़ाऊं या फिर मैं होल को बढ़ाऊं। तो अगर मैं मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना चाह रहा हूँ सपोज, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा मटेरियल लूंगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, या यूं कहें कि जिसके अंदर आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सिलिकन के मुकाबले ज़्यादा है, या इसको मैं ये कहूँ कि सिलिकन आपका फोर्थ और मैं फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाता हूँ, फिफ्थ ग्रुप की जैसे आर्सेनिक आपने मिलाया तो उसमें क्या एक एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि फिफ्थ ग्रुप है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब मैं इसको मिलाऊंगा सिलिकन के साथ में तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टिविटी शो करेगा। तो ये तीसरा मेथड है और ये सबसे इफेक्टिव मेथड है और यही काम करता है। तो थर्ड मेथड में आपने पढ़ लिया कि सेलेक्टिवली इंक्रीजिंग कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बाय एडिशन ऑफ सेलेक्टेड इम्प्योरिटीज टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको ही हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, है ना। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है,
लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है कि चाहे आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, चाहे आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, ये जो प्रोडक्ट है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एन इंटू पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या या कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता, इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो हमेशा एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलेगी, एन आई स्क्वायर, है ना। कॉन्स्टेंट वैल्यू है क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं किसी को बढ़ाता हूं तो दूसरों कम होना चाहिए, या दूसरे को बढ़ाता हूं तो पहला वाला कम होना चाहिए। जैसे कि मैं ये कहूं कि अगर मुझे जो है 3 × 2 लिखना है तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 3 × 2 भी 6 होता है और 2 × 3 भी 6 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको 3 कर रहा हूं तो मुझे इसको 2 करना पड़ेगा, या मैं इसको 3 कर रहा हूं तो मुझे इसको 2 करना पड़ेगा, यानी कोई बढ़ेगा कोई घटेगा लेकिन कॉन्स्टेंट रहेगा उनका प्रोडक्ट। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। और ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो अगर आप इलेक्ट्रॉन और होल दोनों बढ़ाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, तो आपने जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ाए उतने आपने होल्स बढ़ा दिए, तो होगा क्या, होल्स और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है। तो आपको करना यही पड़ेगा कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप का जो चार्ज कैरियर है उसी को बढ़ा सकते हो आप। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन और पी बराबर, एन आई के बराबर। तो यहाँ तो कोई ये फॉर्मूला सिंपल सा ही है। जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, तो उसकी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन यानी उसका जो चार्ज डेंसिटी या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की के लिए जब हम करते हैं, तो ये इक्वेशन वन उसको रोकता है, जो मैंने आपको भी बताया कि एन बढ़ाओगे तो पी घटेगा, या इसका उल्टा वाइस वर्सा, पी बढ़ाओगे तो एन घटेगा। तो दिस डोपिंग कैन सेलेक्टिवली इंक्रीज इलेक्ट्रॉन और होल कंसेंट्रेशन, है ना। अब ये डोपिंग कैसे करते हैं वो देखो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है पिछले लेक्चर में, कि अगर आपके पास पानी है खूब सारा, वाटर पूल फॉर एग्जाम्पल, उसमें आप इंक की एक ड्रॉपलेट गिराते हैं, तो इंक की ड्रॉपलेट जब आप गिराएंगे तो क्या होगा, वो इंक जो है फैल जाएगी। अब मैंने एक चीज आपको कही थी कि जो इंक है उसकी जो डेंसिटी है या उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पानी के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होगा तभी वो फैलेगी, अदरवाइज नहीं फैलेगी। या यूं कहें कि उसका ज्यादा होना ही चाहिए जब हम डोपिंग की बात करते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम डोपिंग करते हैं, चाहे वो सिलिकन के अंदर थर्ड ग्रुप की कर रहे हैं या फिफ्थ ग्रुप की कर रहे हैं, थर्ड ग्रुप की यानी कि बोरोन मान लीजिए, फिफ्थ ग्रुप की यानी आर्सेनिक मान लीजिए, तो इनकी जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, वो सिलिकन से ज़्यादा होगी और बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ही डोपिंग सक्सेसफुल रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। तो जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, मान लीजिए सिलिकन है, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और एक पेंटावेलेंट यानी आर्सेनिक में ले रहा हूं, आर्सेनिक एक पेंटावेलेंट ले रहा हूं इंप्योरिटी, उसको मैं सिलिकन के साथ ऐड कर रहा हूं। तो हमें ये इम्प्योरिटी जो है इस तरह से लेनी है कि ये इसका जो सिलिकन का जो खुद का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब नहीं करे, है ना। तो उसको डिस्टर्ब नहीं करे, तो इसके लिए डिस्टर्ब नहीं करे यानी क्लस्टर, यानी क्लस्टर यानी ग्रुपिंग कहीं नहीं हो जाए। तो इसके लिए आपको जो वो लेना होता है बेसिकली जो कॉन्सेंट्रेशन वो लेनी होती है ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं ले सकते, बहुत कम भी नहीं ले सकते, इसकी एक पर्टिकुलर एक लिमिट होती है जो कि इस लेक्चर में मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि ये बेसिकली बैंड एनर्जी यानी मटेरियल साइंस का टॉपिक है, यहाँ पर आप इतना डीपली नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, या उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स मैकेनिकली भी समझ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों होता है। एनर्जी बैंड गैप की बात है वहाँ पर, वहाँ ऑर्बिटल्स की बात होती है, यहाँ एनर्जी लेवल एक दूसरे के चेंज हो जाते हैं। तो सिर्फ हमें इतना ही समझना है कि हम एक पर्टिकुलर जो है उनका उनकी एक पर्टिकुलर इम्प्योरिटी की जो एक अमाउंट है उतना ही हम ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो जब आर्सेनिक को सिलिकन में ऐड करेंगे तो एक एक्सेस में इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो हर एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी शो करेगा क्योंकि एक्सेस में है। अब जब मैं इसको ऐड करता हूँ, देखो यहाँ से समझिए, ये जो मैंने एक बना रखा है एनर्जी बैंड डायग्राम, मान लीजिए आर्सेनिक है ही नहीं, ये जो लाइन ई सी वाली आपको दिख रही है और ई वी वाली यानी कि वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल
और कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल, इन दोनों के बीच की एनर्जी देखो ज्यादा है, ये प्योर सिलिकन के लिए था, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने ये फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाई तो होगा क्या कि वैलेंस बैंड की जगह अब हमें एक एनर्जी लेवल नया मिल गया आर्सेनिक के करस्पॉन्डिंग यहां पर, और इस एनर्जी लेवल को हम कहते हैं डोपिंग या डोनर, डोपिंग नहीं और डोनर एनर्जी लेवल, तो ईडी, इसको मैं लिखता हूँ ईडी, डोनर एनर्जी लेवल। और जब मैं इसको ये एक्चुअली मैं एन टाइप डोपिंग पढ़ा रहा हूँ ना, तो एन टाइप इसलिए ये डोनर कहलाएगा, लेकिन जब मैं इसको पी टाइप के लिए बताऊंगा तो ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल हो जाएगा, वो अलग चीज है, यहाँ पर हम फिलहाल एन टाइप की बात कर रहे हैं। तो देखो आर्सेनिक का जो एनर्जी लेवल है वो कहाँ आ गया, वो कंडक्शन बैंड के बहुत नजदीक आ गया, कहाँ तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, अब वो यहाँ पहुंच गए डोपिंग करने से। अब एक चीज और आपको देखनी है और ये समझ लीजिए अच्छे से कि रूम टेम्परेचर पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, के बी इंटू टी, थर्मल एनर्जी है, टी है टेम्परेचर और के जो है आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी जब रूम टेम्परेचर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना 300 केल्विन, जब आप इसको रूम टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन ये जो एनर्जी है ये कितनी है, 30 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 30 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट या एग्जैक्टली 32 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे तो 0.032 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, है ना। तो ये तो इसके रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी इसको वैसे ही मिल जाएगी, क्या ये इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर वहाँ नहीं करेगा जंप, आराम से करेगा। तो डोपिंग करने से क्या हुआ, डोपिंग करने से क्या हुआ कि जो एनर्जी है, एनर्जी का जो डिफरेंस है, बैंड गैप जिसको कहेंगे, वो बहुत कम हो गया, वो बहुत कम हो गया, तो आराम से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में या वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो पाएंगे, यानी एक्सेस जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली अवेलेबल हो पाएंगे जब आप डोपिंग करते हैं। तो इसका कारण अभी मैंने यहाँ से बताया। अब आप मास एक्शन लॉ के ऊपर वापस आते हैं। अगर मान लीजिए किसी सेमीकंडक्टर के अंदर, सिलिकॉन के अंदर, मान आपने आर्सेनिक की क्या मिलाई, इंप्योरिटी मिलाई, तो ये एक आर्सेनिक एटम, ये प्लस का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्या है बेसिकली, एक इलेक्ट्रॉन अनबाउंड है ना, अनबाउंडेड है। मैं क्या कह रहा चाह रहा था कि ये जो आपका डोपिंग आपने जो करी है ना डोनर, तो जितने आर्सेनिक एटम होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जितनी आपने डोपिंग करी है तो उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं एन इक्वल टू एन डी आएगा, एन डी क्या है, डोनर नंबर ऑफ डोनर एटम्स, और जितने डोनर एटम होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, तो एन इक्वल टू एन डी हो जाएगा। अब ये देखो एन डी नंबर ऑफ डोनर इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको अभी तो बताया कि हमें एक्सेस में जो है डोपिंग करनी होती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहीं पर 10 टू द पावर 10 सिलिकॉन के एटम है ना, तो उसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन ये जब डोपिंग करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 टू द पावर 15, कितनी होगी, 10 टू द पावर 15। तो ये 10 टू द पावर 10 है और ये कितना हो गया, 10 टू द पावर 15, तो कितना, 10 टू द पावर 5 टाइम्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो कह सकते हैं ना कि ND की वैल्यू Ni से बहुत बहुत ज्यादा है। Ni क्या है, सिलिकन के, प्योर सिलिकन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या, और ये डोपिंग करने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या हो गई वो अब बहुत ज्यादा हो गई, है ना। तो अब आप इस इक्वेशन का यूज लीजिए, यहाँ से आप नंबर ऑफ होल्स निकाल सकते हैं क्योंकि आपको एन पता है और Ni आपको पता है, तो आप यहाँ से होल्स निकाल सकते हो। तो P इक्वल टू हो जाएगा Ni स्क्वायर डिवाइड बाई ND। अब क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो आपका ये जो ND है ये बहुत ज़्यादा है Ni स्क्वायर से, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इज वेरी वेरी लेस देन ND आएगा, यानी नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी लेस देन ND। बिल्कुल सही बात है, जब आप N टाइप सेमी कंडक्टर देखोगे तो होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से कम आएगी, और इसी प्रकार से जब आप पी टाइप के अंदर करेंगे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक्सेप्टर जो एटम है उसके होल से सॉरी उसके इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, बहुत कम होगी। ये जो आपने यहाँ ई डी लिखा है ना, उसी जगह आपको बस अब करना क्या है, ई ए हो जाएगा एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर, है ना। तो ये तो आपका हो गया आपका मास एक्शन लॉ। अब अपन है
एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कंडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंडक्टिविटी सिलिकॉन के अंदर मैं इसको समझा रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया एक प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर डेंसिटी कितनी होगी, कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10 to the power 10 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपने आप डोपिंग करी है तो ND नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हैं, मैंने अभी अभी बताया 10 to the power 15, तो कितना ज़्यादा हो गया, 10 to the power 5 ज़्यादा हो गया है ना। तो ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझ आ ही गया होगा। अब आप कंडक्टिविटी निकालो, कंडक्टिविटी सिग्मा, ये फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, NE μe + PE μe। तो जैसे कि अभी बताया मैंने आपको कि जो P है वो है 10 to the power 5 और जो N है वो है 10 to the power 15 है ना। तो आप इसको जब यहां रखेंगे तो ये वाली टर्म जो है ये इसके मुकाबले क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल है। तो मैं क्या करता हूं इस वाली टर्म को यहां से हटा देता हूं, तो सिग्मा क्या आएगा, एन ई म्यू ई, और एन की जगह मैं एनडी लिख सकता हूं, तो एनडी ई म्यू ई। अब आप यहां से आपके पास कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला आ गया। इसी प्रकार से आप पी टाइप के लिए निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा आपका है ना। यहां पर आप ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब ये जो म्यू म्यू ई है ये क्या है, मोबिलिटी है ना, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। इसकी वैल्यू जो है वो 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू पर सेकेंड है आपका है ना, ये फिक्स वैल्यू है। ये वैल्यू आप पुट करो तो आपको कंडक्टिविटी कितनी मिलेगी, 0.216, और यूनिट वही है जो पिछले आपको मैंने स्लाइड में दिखाया था। मैं एक बार इसको ये मैंने यहाँ ही लिख रखा, देखिए ये सिग्मा कब आया, जब मैंने डोपिंग करी, किसकी, फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी की मैंने डोपिंग करी है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक वैल्यू आई है कंडक्टिविटी की। देखो पहले क्या वैल्यू थी, 3 × 10⁻⁶, यूनिट वही है, सेम है। तो ये 10⁻⁶ और ये आ गई अब 10⁻⁰, मान लो कहाँ -6 कहाँ 0 है ना। तो आप सोचिए कितनी चेंज हो गई, लगभग 10⁵ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की वैल्यू से ये चेंज हो गया। तो हमने ये देख लिया कि जब आप डोपिंग करते हैं तो कंडक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है, 10⁵ टाइम्स। और आपने डोपिंग भी करी थी तो आपने आपने देखा होगा 10⁵ टाइम्स आपने ज़्यादा नंबर ऑफ, ये यहाँ लिखा हुआ 10⁵ टाइम्स आपने ज़्यादा जो है वो लिए थे, जो इम्प्योरिटी लिए थे एटम्स वो है ना। ये 10⁻ था, कहाँ गया, इधर लिखा, ये 10⁻ था ओरिजिनल जो था, और हमने 10⁻ की वैल्यू कितनी ली, 10⁵, और इसको हमने सॉल्व किया तो हमें कंडक्टिविटी लगभग इतनी हाई मिल रही है, 10⁵ ऑफ द ऑर्डर है ना। तो इसी प्रकार से आप जब आर्सेनिक के बजाय आप बोरॉन ले लो, सोडियम ले लो, जब आप इसको मिलाएंगे सिलिकन के अंदर थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी, तो इसका उल्टा हो जाएगा है ना, एक्सेप्टर एटम की जो संख्या होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, जो इंट्रिंसिक या एक्सेप्टर एटम की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जो प्योर थे आपके कॉन्सेंट्रेशन, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या आपका होल सोर्स है, तो यहाँ पर भी वही मिलेगा 10⁵, लेकिन बहुत बहुत ज़रा सा अंतर आएगा। और उसका कारण उसके एनर्जी बैंड डायग्राम से ही समझा सकते हैं, वो आपके इस क्लास के स्कोप से बाहर का है। तो कंडक्टिविटी स्लाइटली लोअर है ना, क्योंकि होल की मोबिलिटी कम होती है। अब ये होल की मोबिलिटी कम क्यों होती है, आप मटेरियल साइंस पढ़ेंगे या सेमी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये लैटिस से बंधा हुआ रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का भी रोल है, तो इसलिए आपको सिर्फ अभी फिलहाल इतना ही समझना है कि लगभग बराबर ही है, चाहे इलेक्ट्रॉन की लो या होल्स की लो तो बराबर है ना। अब जो कॉन्सेंट्रेशन जो हमने आर्सेनिक यूज ली थी वो कितनी है, 20 parts per billion और 20 parts per million भी कुछ जगह पर यूज आती है, तो इतनी है, तो इतनी सी है, देखो कम है, पार्ट्स पर बिलियन है ना। और जब आप इसको यूज लेंगे, यानी कि एक तरह से मैंने जो एग्जांपल बताया था, एक इंक की जो ड्रॉप है उसको आप वाटर पूल के अंदर डाल रहे हैं, तो ये उतना ही हो गया, कोई फर्क पड़ा क्या, कोई ज़्यादा विशेष फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ पता ही नहीं चला कि ये डाला कि नहीं डाला, लेकिन इससे कंडक्टिविटी कितनी बढ़ी 10⁵ ऑर्डर के फॉर्म में। तो इसलिए जो इम्प्योरिटी है वो जब हम मिलाते हैं तो हमें बहुत ध्यान से उसको मिलानी चाहिए,
हमें कंडक्टिविटी किस लेवल की चाहिए, क्योंकि एक इसका भी एक लिमिटेशंस होती है कि हम इससे ज्यादा नहीं मिला सकते। अदरवाइज होता है कि ओरिजिनल जो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो हमारा पर्पस नहीं। हमारा पर्पस है कंडक्टिविटी को बढ़ाना। तो आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, और अगली क्लास में हम अगले टॉपिक पर आएंगे।